पंजाब सरकार लगातार पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए कार्यरत है और उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए प्रयासरत है। अब पंजाब की मान सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नई पहल कर रही है। क्या है वो पहल, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। प्रदेश अनुसूचित जाति के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत पंजाब सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के पहली से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त पुस्तकों की सप्लाई स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही तिमाही बंदिश से छूट देते हुए इस राशि को एक बार में ही खर्च करने की भी मंजूरी दी गई है। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की सप्लाई की योजना का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को बिना वित्तीय बोझ के शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम छात्रों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति के छात्रों की बेहतरी से जुड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कॉमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।